गांव में रहने का फायदा हम बता रहे हैं, ठीक है। कैमरा लड़का शादी करे के करे गांव में रहेंगे एक टाइम, अगर खाने के लिए सब्जी या मतलब कुछ भी ना रहे। आप लोग हम लोग का सपोर्ट नहीं करते, हम भी चले खुद झगड़ा करेंगे अपने पति से, रोज नौटंकी करेंगे, तब आप लोग गांव में जमीन लिए हैं। हाँ। यही आप लोग खोज रहे हैं ना। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और आप सभी को बता दूं, आज है 16 तारीख, 16 तारीख दिनचर्या में ऐसे ही बने रहिएगा। अभी सुबह लगभग 10 बज रहा है और मैं बस काम पे लगा हूँ, ईटा की सफाइयाँ कर रहा हूँ, जो कि पीछे साफ करके रख रहा हूँ, आगे से साफ करते जा रहा हूँ। और अभी खाना वाना कुछ नहीं खाए हैं, बस काम कर रहे हैं और देखते हैं। आज BFA का दिन है, सोचे थे दाढ़ी बनाने के लिए पिछले बीते हुए कल में, लेकिन बना नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिला। और आज BFA है तो BFA को दाढ़ी वाढ़ी बनवाते नहीं हम लोग। BFO को मतलब बहुत कुछ बढ़ाते हैं हम लोग, दाढ़ी वगैरह साबुन वबुन नहीं लगाते हैं, साबुन सेम्पुल, और दाढ़ी बाल नहीं बनवाते हैं, कटवाते नहीं हैं, और मांसाहारी कुछ नहीं खाते हैं। तो मतलब ले कर चलते हैं, अब इससे फ़ायदा भी क्या है क्या नहीं जानते, लेकिन अच्छा लगता है, थोड़ा सा सुकून मिलता है। आप सब यहाँ BFA व्रत रहते हैं, BFA को बढ़ाते हैं तो बताइएगा। तो यहाँ पूरा काम करते हैं और अभी वहाँ बैठ के सब कोई नौटंकी कर रहा है, कोई काम नहीं करा रहा है। दोस्तों अभी सुबह का समय ही था, पता नहीं क्यों दीदी आ गई, इसको जल्दी यहाँ से खदेड़ना पड़ेगा। लगता है सारा मंडोली में एक आदमी बढ़ गयो, पता नहीं क्यों दीदी चली आई। अच्छा 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 याद आता रहा, तनिक याद आता रहा, सुरीन याद आ। सिया नहीं, सिया को नहीं लेके आई, सिया स्कूल चली गई है। तो दीदी पहुंच चुकी है हमारे घर पे, अच्छा लग रहा है। और देखते हैं खाना वाना खाई लो, खा खाई हो ओहो कार्तिक हो बहुत सा नमस्ते। देखिए दोस्तों अभी खाना खवाई हो रहा है, सब कोई पहले ही खाना खा चुका है, लेकिन हम लोग अभी को खा रहे हैं क्योंकि ये है कि बस बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसकी वजह से नहीं खा रहे थे। और हम है जो काम कर रहे थे, त्रिशा जो थंबनेल बना रहे थे, ये है कि अभी को आए हैं दीदी ना जाइए लाला। हाँ ही रहे, अरे इनके इनके पापा के कहा था मैं जाएंगे मना नहीं करता, कहा था जाए मन नहीं करता। तू कहानी बताए, जब वो कमुआ तू करता ना तो घर वहां आए कर मन करता रहा, जन की रोज आ जात रहा ना मनो गई हमारा, लेकिन एक जब यहाँ खत्म हो गया काम, जब चल गए ना तो नींद नहीं लगा रहा। हम पूछा नहीं तो हाथ मन रहे नींद नहीं लगा तो कर जाओ ही रही। अरे काली से सब कहा था कहा जाई जाए मन नहीं करता, डिसमिजा डिसमिजा रात हो गई। हम कली चलो चिकन उकन बनी, फिर कथन जाए बात कली चला लेट हो गई बा, अब चल जाए हम यही मारे करी चला चिकन नहीं बनी, तब लेट हो जाए जादे। अरे रात रात रह गई ना सब, अब फिर सवेरे को भागो गई ना पतो नहीं चल गई हमारा भागन, मतलब नहीं गई ना दूहे पड़े लेके गई सा जग लगे ले गाय ना ना कुल लगे। तो आई ना सोचे ना कि जेकर खातिर दौड़ के जाते वही के लिए चली आई। वाह ना गाय ना लाला बने गाय वही खातिर की हम के देखे। अरे कार्तिक लालन है, युवान रालीन है, युवान भी आ चुकी है। हाँ सिया स्कूल गई है, वो पढ़ेगी पढ़ेगी अरे ये आगे बढ़ेगी। तो खाना वाना भी हम लोग खा ले, हम भी मुँह धो लिए हैं एकदम। दोस्तों अभी कन्हैया जी का काम शुरू हो चुका है फिर से, आज बनेगा पोटी करने वाला। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आपका, पोटी बनने वाला है, पोटी करने वाला बनने वाला है। तो ये देखिए पोटी का टंकी है, इसमें आएगा पोटी, इसमें आएगा पोटी, तो देखते हैं पोटी
पोटी का देखेंगे। और यहाँ है कि दुगार बन गया छोटा सा, और यहाँ अंदर, और यहाँ बाथरूम बनाने की कहाँ बनी बाथरूम हो सालू। तो अभी दोस्तों 2 बज चुका है और 2 बजे खाना वाना खा के मिस्त्री लोग रेडी हो चुके हैं और उसके बाद फिर से काम पे लग चुके हैं। अभी यहाँ क्या काम हो रहा है आप सब देखिएगा जरूर। और कन्हैया जी को बड़ा सुविधा हो गया कि सरिया नहीं मंगाना पड़ा, क्योंकि हम सरिया मंगा लिए थे तो उसी सरिया से काम चल गया। और आप सबको दिखा दें कि अभी इस सरिये से क्या बनने वाला है। देखिए यहाँ है टंकी बाथरूम का, और ये टंकी देखिए इतना बड़ा है, और ये है ढपना। इसी ढपने में यहाँ टंकी है, हम उसमें बाथरूम रहेगा अंदर। काफ़ी ज़्यादा दूर है लेकिन ठीक है, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ये जितना भी देख रहे हैं सारा गिफ्ट है एनिवर्सरी का, और गोद भराई का गिफ्ट बहुत ज़्यादा है। इसमें भी गोद भराई का गिफ्ट है दोस्तों, और एनिवर्सरी का गिफ्ट है दोस्तों। अभी ढेर सारा साग यहाँ से तोड़ा गया है, और साग ढेर सारा साग तोड़ा गया है। और देखिए मेरी वाइफ जो सिर है इनका, इनके पीछे सूर्य है, तो सोचिए हमारे वाइफ के सिर के पीछे सूर्य है। बहुत दिन से गुस्सा है, छींक भी आ रहा है बहुत दिन से गुस्सा। तो चलिए दिखाइए साग कहाँ खोद के रखी है, कहाँ जाए। अरे है देवा के नमस्त के वाओ। अरे हे दीदी बाबू वो उधर जा मार का ये हमारा। तो देखिए इतना ढेर सारा साग मिला है, और इस पूरे खेत में बहुत सारा साग मिला। तो आज तो सोनू आज नहीं बथुआ उठाने के लिए ना का देने लेना गए। तो दोस्तों आप सभी को गांव में रहने का फायदा हम बता रहे हैं, ठीक है। और देखिए जब मेरी ननद आई थी तो हम सोचे इनको साग दे दे, क्योंकि शहर में साग नहीं मिल रहा है। और कल एक बगल में से उखाड़े थे साग, तो साग जा नहीं पा, छुपा हो। एक जनी के छिपवाते जनी आवा कर लगा। तो बगल में से बेचारी दी थी, तो वो आधा अपने हम बनाए थे, थोड़ा सा गुड़िया जी ले गई थी, और थोड़ा सा बचा था तो दीदी के लिए ले जाने के लिए रखे थे, पर जिया नहीं ले जा पाए थे तो हम ही लोग बना खा गए। इतना साग के चटको रहे हम लोग, तो सोचे आज कहीं से खोट के दे दे। एक और है, हम लोग को बोली है कि आप खोट लीजिए, उखा लीजिए साग, हो गए तो थोड़ा सा खोटे हैं, मतलब उखाड़े हैं, खोटे नहीं हैं। अब इसको ले आएंगे थोड़ा सा, इतनी टाइम फिर हम वही बनाएंगे, और फिर दीदी भी ले जाएंगी। तो यहाँ कराने का फायदा यही है कि आप लोग को अगर एक टाइम गाँव में रहेंगे तो एक टाइम अगर खाने के लिए सब्जी या मतलब कुछ भी ना रहे तो गांव के लोग हेल्प कर देते हैं, लेकिन अगर वही शहर में रहेंगी तो एक रात नहीं आपको खाने को मिलेगा, तो आपको सूखे पेट सोना पड़ेगा। सही बात है, सही बात, यही गांव की खासियत है। और गांव इसीलिए हम लोग गांव में जमीन लिए हैं। हाँ, इसीलिए शहर में जमीन नहीं लिए, नहीं लिए। देखिए सब बथुआ है, और थोड़ा सा पालक है, देखिए सब बथुआ है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ना दीदी। तो साग अभी लेके हम लोग चल दिए घर, और ये बाबू इसमें लैट्रिन कर दिया था, ये पैजामा ले लिए हैं। अरे पैजामा खाली दिखा था, पैजामा खाली दिख रहा है। यहाँ शबनम अपना गांव घूम के आ रही हैं। गांव ना भाई सीखने। हाँ। तो तू ना भाई सीख। भैंसा तू वही था बोला भैंसा तू भैंसी दीदी भैंसी देखो तू का भैंसी कहती हो देखो तू का भैंसी कहती रत्ते भैंस रे ऊ भैंस है ऊ भैंस रे अच्छा ये भैंस अच्छा आपको नहीं पीछे वाला पीछे देखो उल्लू बना आया बड़ा मजा आया। तो यहाँ देखिए अभी यहाँ बेसिंग मशीन बन रहा है। कौन मशीन बनता हो बेसिंग ना है पानी सोखे वाला। तो यहाँ पानी सोखने वाला बनाया जा रहा है। कन्हैया जी का घर काफी खूबसूरत लग रहा है। अगर चोरी करना है तो आप सब यहाँ जरूर संपर्क करें। चोरी माटी नलका बार सुखाड़ लिए यहाँ। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं करते। और यहाँ देखिए सालू जी अपने बाबू के साथ व्यस्त है। अपने शादी खर्च क्यों लगा है कलर ऐसे कलर लग गया है कि ऐसे दीवार पे छप्पन मार दे। कहाँ लगल हुआ घर पर लगा लगा छप्पन नहीं। तो दोस्तों अपने बाबू के साथ व्यस्त हैं, उसका शादी ब्याह कराने में।
और यहाँ कन्हैया जी शादी करे लड़का शादी करे के करे पता कर इस समय के करके घर भइल है देख ले धोखा देत है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं घर, अभी जाना है चौराहे पे, जो कि चौराहे पे जाके सब्जी वगैरह लाना है तो उसी में थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो इतने समय निकलेंगे नहीं तो लेट हो जाएगा। चला हां कहीं हूं गुजरियो हो अरे तुम आई के पचावा है बाइलू निंग नहीं आ लगे लू बंद कर लू तो और ना निकल गए लू उससे बढ़िया पचावा बोल है। हां ठीक बा चला जल्दी। तो दोस्तों आप सभी को क्या बताएं, गांव में रखे इतना मजा था, इतना क्या बताएं दोस्तों, कितना मजा था यहाँ सस्ता सब कोई रहे और बहुत ही मजा आ रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। आप लोग हम लोग का सपोर्ट नहीं करते हम भी चले खुद झगड़ा करेंगे अपने पति से रोज नौटंकी करेंगे तब आप लोग वीडियो देखेंगे, ठीक है ना, तब खुश रहेंगे आप लोग, तब देखेंगे। यही आप लोग खोज रहे हैं ना कि सब कोई झगड़ा करते रहे, यही चाहते हैं आप लोग। बंदूकिया जैसी तुके धागा दिया। तो चलिए दोस्तों आज सभी को वीडियो कैसा लगा, दिल दिमाग उड़ता फेफड़ा एन टेन टेन मत लीजिएगा, बाय बाय।